एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। The epicenter of the HIV horror. ये न्यूज है यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में चकमीरपुर गांव से, जहां 33 लोग HIV पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। एक ऐसी कहानी में जो सरप्राइजिंग और अजीब है। लड़का की भी कराहत पॉजिटिव पाए गए सर, मरने के कगार में है सर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप बीमार हैं तो एक रास्ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने का, जहाँ डॉक्टर्स आपको ऐसी मेडिसिंस देंगे जिनकी कॉस्ट 100 से 300 रुपए तक की है। ऐसी सिचुएशन में लोकल्स के पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। कोई नहीं ले पे, तो 10-20 वाले 50 वाले थे, जय भाई करें झोला छापन वाले थे, कहां देंगे फिर। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने नाम सुना डॉक्टर राजेश यादव का, जो एक घर से दूसरे घर जाते अपनी साइकिल पर एक वादा देते हैं एक मैजिक ट्रीटमेंट का। इसमें है एक इंजेक्शन और 3 पुड़िया बस 10 रुपए की। उन्होंने ये मैजिक ट्रीटमेंट गांव में कई लोगों को दिया, पर क्योंकि डॉक्टर यादव सेम सिरिंज यूज कर रहे थे अपनी मैजिक ट्रीटमेंट के लिए, इसी वजह से 33 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। और डॉक्टर राजेश यादव अकेले नहीं है, इंडिया में आपको ऐसे कई मुन्ना भाई मिल जाएंगे। उसे एडमिट कर देना। WHO के हिसाब से आधे से ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया में फेक हैं, और 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 20% डेथ्स जो ट्रीटमेंट के दौरान होती है इंडिया में, उनमें कोई फेक डॉक्टर इन्वॉल्व होता ही होता है। इमेजिन करिए ऑलमोस्ट 20% डेथ्स। पर ये फेक डॉक्टर्स है कौन, ये आते कहाँ से है, और इंडिया में इतने ज्यादा फेक डॉक्टर्स क्यों है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो। इनको देखिए, यह है सुभेंदु भट्टाचार्य, जो बंगाल के हावड़ा की लोकैलिटी में बहुत फेमस है क्योंकि वो गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करवाते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन के यंगेस्ट मेंबर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो नोबेल फाउंडेशन, QMR मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, हावड़ा मेडिकल क्लब, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, स्कूल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेंबर है। उनको प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। पर ये सुभेंदु भट्टाचार्य एक फेक डॉक्टर है। अब सुभेंदु जैसे जो लोग हैं वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज बिजनेस। उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर के साथ काम करके या फिर किसी और तरीके से छोटी छोटी नॉलेज गेन करी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। अब कुछ लोग उनको एंटरप्रेन्योर्स बुलाएंगे और कुछ लोग उनको झोला छाप डॉक्टर्स बुलाएंगे, पर ऐसे लोग एक गैप को फिल करते हैं जो मार्केट में नहीं है। इनमें से ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर्स रूरल एरियाज में काम करते हैं जहाँ कोई डॉक्टर होता ही नहीं। तो आप कितने साल से ये भी पूरा डॉक्टर बने हुए हैं? 3 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और आपने पढ़ाई कितनी करी है? ग्रेजुएशन कम्प्लीट है मेरा, मैथ ऑनर्स। Once more! इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से इंडिया में करीब ऐसे 10 लाख इनफॉर्मल डॉक्टर्स हैं। इन 10 लाख में से 4 लाख डॉक्टर्स आयुर्वेद, उनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स हैं। अब क्या इसका मतलब है कि ये 4 लाख डॉक्टर्स पूरी तरह फेक हैं? नहीं, क्योंकि इंडियन सरकार के हिसाब से ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इन चीजों पर कोर्सेज करे हैं वो एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि वो उस पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट या फिर मॉडर्न मेडिसिन नहीं दे सकते। वही डॉक्टर्स जिसके पास एक MBBS डिग्री होती है वो ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, पर इसके बावजूद कई इनफॉर्मल डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं। जब लोग आपके पास आते हैं कि उनको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो आप उनको कौन सी दवा देते हो इन दिनों में? हम इन्हें पैरासीटामोल देते हैं, एजिथ्रल देते हैं, एजिथ्रल ग्रुप के, क्लोरोफेनिकल ग्रुप देते हैं, विटामिन सी देते हैं। और वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि कई इंडिया के एरियाज में कोई फॉर्मल डॉक्टर होता ही नहीं है, और इस चीज के लिए हमें ब्लेम डालना चाहिए इंडियन मेडिकल सिस्टम पर। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर कुकू FM ऐप के बारे में। ये एक ऑडियो ऐप है जहाँ कई बेस्ट सेलर बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड या फिर एटॉमिक हैबिट की समरीज पढ़ सकते हो। इसके अलावा उनके पास कई ओरिजिनल पॉडकास्ट भी हैं हिस्टोरिकल रेलेवेंस पर, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कुकू FM में आपको कई और पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे ढेरों इंडियन लैंग्वेजेस में। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली नॉलेज को एक्सेसिबल बना देता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आप कोई भी ऑडियो बुक बहुत कम टाइम पर समझ सकते हो। इसके अलावा ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक साल का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है,
और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो। ये डिस्काउंट कोड बस पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डाउनलोड कीजिए एंड यूज माई कूपन कोड। अब आते हैं वीडियो पर वापस। WHO के हिसाब से हर 1000 लोगों के लिए हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया में हमारे पास एक डॉक्टर है करीब 1500 लोगों के लिए। और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि इंडिया में किसी भी देश के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मेडिकल स्कूल है। तो फिर डॉक्टर्स की क्यों कमी है इंडिया में? क्योंकि जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है वो बहुत ही कम होते हैं इन स्कूल से। यूजुअली हर साल हर कॉलेज से 100 से 150 स्टूडेंट्स ही ग्रेजुएट करते हैं। ऐसे एम्स के अंडरग्रेड कोर्स में हर साल बस 72 स्टूडेंट्स होते हैं और करीब 80 से 90 हजार स्टूडेंट्स इन 72 सीट्स के लिए लड़ाई करते हैं। इसका मतलब है कि एम्स दिल्ली की एक्सेप्टेंस रेट हार्वर्ड मेडिकल की एक्सेप्टेंस रेट से भी कम है। इस प्रेशर की वजह से ही कई स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतने मेडिकल ग्रेजुएट्स है नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है जो ग्रेजुएट्स है भी उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। चाकू नहीं, बुलेट पेन, लाइक अ पेन। क्योंकि मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ने सेटअप किया है, जिनके पास बहुत कम ही एक्सपीरियंस होता है मेडिकल या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का, बल्कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। और ये पैसे कमाने के लिए उनको गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस पास करनी पड़ती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हरियाणा में एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है आदेश हॉस्पिटल, जिन पर कई एलिगेशन लगाई गई थी, इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ ऑफिसर्स भेजे उधर इंस्पेक्शन करने के लिए। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए ये इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरी होती है। अब मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को अच्छी तरह टेस्ट करने के लिए किसी भी कॉलेज और हॉस्पिटल में अच्छे खासे पेशेंट्स होने चाहिए। अगर ज्यादा पेशेंट्स होंगे तभी उनको ढंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, पर आदेश हॉस्पिटल के पास इतने पेशेंट्स थे नहीं स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस देने के लिए। तो भला वो ये इंस्पेक्शन पास कैसे करते? वो पास वाले गांव के सरपंच के पास गए और उनको बोला कि वो कुछ गांव वालों को अस्पताल भेज दें पेशेंट्स की एक्टिंग करने के लिए, और उनको वादा दिया गया कि इस एक्टिंग के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। अब ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में इतने पेशेंट्स होते नहीं है क्योंकि गांव वालों के लिए ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, और ये मेडिकल कॉलेज गांव में इसलिए सेटअप करे जाते हैं क्योंकि उधर जमीन की कॉस्ट बहुत कम है। इसलिए गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस के दौरान ये कॉलेजेस गांव वालों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप्स करते हैं, चाहे पेशेंट के पास कोई बीमारी हो या फिर ना। फेक पेशेंट्स तो छोड़िए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस तो फेक डॉक्टर्स भी रिक्रूट करते हैं ऐसी इंस्पेक्शंस के दौरान, और कुछ डॉक्टर्स को तो 2-3 दिनों के लिए 5-6 लाख रुपए मिल जाते हैं बस गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस के दौरान मेडिकल कॉलेज में आने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में ना ही इतने मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में, जो ग्रेजुएट्स हैं भी उनको ढंग की ट्रेनिंग नहीं मिलती, और जिनको ट्रेनिंग ढंग की मिलती भी है वो रूरल एरियाज में काम नहीं करना चाहते। जैसे डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल की बात करते हैं, जिनको अपनी MBBS डिग्री के लिए 2017 में 5 गोल्ड मेडल्स मिले थे। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने उनको बताया कि उनको रूरल एरिया में अपनी ड्यूटी करनी होगी तो उनको लगा था कि रूरल हॉस्पिटल्स में ढंग की फैसिलिटीज होंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा ऐसे डॉक्टर्स को ढंग का पैसा नहीं मिलता तो उनको लगता कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और इधर कोई ढंग की फैसिलिटीज भी नहीं है तो हम क्यों भला गांव में काम करें। अब इसकी वजह से रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की वैकेंसी बहुत हाई है, और इसी वजह से झोला छाप डॉक्टर्स बहुत पॉपुलर है रूरल एरिया में, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स लोगों का इलाज बहुत कम कॉस्ट में करवा लेते हैं और इस सिस्टम को कई लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे बलवंत राय अरोड़ा, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने करीब 50,000 फेक डिग्रीज इशू करी हैं, जहां हर फेक डिग्री के लिए उनको 5,000 रुपए दिए जाते थे। बलवंत राय अरोड़ा बस एक व्यक्ति ने ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा डिग्रीज इशू करी हैं दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन से, और उनको इस बात के लिए कुछ बुरा भी नहीं लगता क्योंकि वो मानते हैं कि इस चीज से वो गांव वालों की डॉक्टर की जरूरत कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कपूरी कुमार को देखिए, वो एक झोला छाप डॉक्टर है बिहार में, पर आप देख सकते हैं कि वो कैसे एक महिला पर ऑपरेट कर रहे हैं जो डिहाइड्रेशन से गुजर रही है। वो कहते हैं कि वो लोगों की जान बचाना चाहते हैं। अब जहाँ गवर्नमेंट अस्पताल से जो डॉक्टर्स आते हैं रूरल एरियाज में, उनकी टेम्प्रेरी पोस्टिंग होती है, पर ये इनफॉर्मल डॉक्टर्स 24/7 बस गांव में ही रहते हैं, तो वो फुल टाइम पेशेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब इनमें से कई लोगों ने कुछ टाइम तो एक फॉर्मल डॉक्टर के साथ काम किया होता है। जैसे कपूरी कुमार एक कंपाउंडर के तौर पे काम करते थे एक फिजिशियन के लिए, वो ये काम सुबह करते थे और अपनी ड्यूटी के बाद खुद के पेशेंट्स देखते थे। इसी वजह से कई पेशेंट्स ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। Some may call them quacks, some may call them barefoot doctors on the ground in the villages. They
आर गॉड। इसी वजह से कई स्टेट गवर्नमेंट अब ऐसे डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही है, ना कि उनको जेल में डाल रही है। For 7 years, an NGO with government support is running a course for such practitioners in Birbhum. They have now asked the government to train more and integrate them into the health system. और इस चैरिटी के फाउंडर अभिजीत चौधरी ने कहा कि वो ये चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिन उनको एक सांप ने काट लिया था और उनकी जान इसी वजह से बची थी क्योंकि उस गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था। अब ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर्स आपकी मदद जरूर करेंगे, पर ऐसे कई डॉक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से आपकी जान जा सकती है। अब आप सोचोगे कि आप ऐसे फेक डॉक्टर्स पकड़ कैसे सकते हो, इसके लिए मैं आपको कुछ तरकीबें बताना चाहता हूँ। पहला है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर यूजुअली एक गलत रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करते हैं। जैसे अमित कुमार एक क्लिनिक चलाते थे गुवाहाटी में, और जब उनसे ये पूछा गया कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उन्होंने एक ऐसा नंबर दिया जो लाखों में था। पर रजिस्ट्रेशन नंबर्स यूजुअली हजारों में ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी स्टेट के पास लाखों डॉक्टर होते तो वो स्टेट हमारे देश की बेस्ट स्टेट हो जाती मेडिकल प्रैक्टिस में। फिर एक एक्चुअल डॉक्टर आपको जादुई रिजल्ट्स भी प्रॉमिस नहीं करेगा। फिर एक डॉक्टर जो आपसे सवाल करने से पहले ही ये बोलता है कि वो आपकी कंडीशन के बारे में हर चीज जानते हैं, हो सकता है कि वो फेक ही हो। फिर एक रियल डॉक्टर आप पर एक बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेगा एक सीरियस मेडिकल प्रोसीजर करने के लिए। एक रियल डॉक्टर ये दबाव तभी डालेगा जब एक एक्चुअल इमरजेंसी होगी। अब अगर आप अनश्योर हैं कि आप फेक डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें, आपको हर बार एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए एक दूसरे डॉक्टर से, जिससे अगर आपको एक फेक डॉक्टर मिले भी तो आप उसको काउंटर कर पाए। अब आखिर में सवाल ये आता है कि हम ऐसे फेक डॉक्टर्स का करें क्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन डॉक्टर्स के बिल्कुल खिलाफ है। IMA is promoting anti-quackery movement throughout the country in every state. वो तो इन डॉक्टर्स को ट्रेन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से अगर इनको ट्रेन किया गया तो आप फेक डॉक्टर्स का बढ़ावा दे रहे हो। जबकि दूसरी ओर है वो लोग जो ये मानते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर्स गलती जरूर करते हैं पर जानबूझकर नहीं। ऑब्वियसली इनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है तो ये गलतियां करते हैं, ये जानबूझ के गलती नहीं करते हैं, ये गलती क्योंकि इन्होंने गलत सीखा है इन्होंने। तो या तो हम इन फेक डॉक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं या फिर उनके साथ काम कर सकते हैं। आप कौन सी चीज चुनेंगे? अगर ये प्रश्न इंडिया के गांव वालों से पूछा जाए तो उनसे आपको एक ही जवाब मिलेगा। ये जो संतोष कुमार है ये हमारा गांव का माँ है। हमारा कुछ होती है तो डॉक्टर तो नहीं मिलते हैं, टाइम पर आते यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इधर तक आ गए और एक्चुअली आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, उससे हमारी ग्रोथ होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं कोटा की और कैसे उधर कंपनीज करोड़ों रुपए दे रही हैं टीचर्स को पोच करने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखना।